अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राखी का किचन। आज आपके साथ एक अमेजिंग से कावे की जो रेसिपी है वो शेयर करने जा रही हूँ। रमज़ान स्पेशल कावा है। अगर आप इसे एक बार इस्तेमाल करेंगे तो इसके फ़ायदे जो है वो बेशुमार हैं। अफ्तारी के बाद अक्सर हमारे पेट में जो है वो दर्द होने लगता है, पेट फूलने लगता है, पेट में गैस बनने लगती है। सारा दिन भूख प्यास की वजह से जो है वो हमारी तबीयत जो है वो खराब होने लगती है। तो इस कावे से आपको बहुत ही फायदा होगा। आप इस कावे को जरूर बनाकर जो है वो ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है वो मैंने पुदीना लिया है। पुदीना जो है वो आपने फ्रेश लेना है और इसके पत्ते जो है वो आपने उतार लेते हैं। हमें इसकी डंडियां नहीं चाहिए, हमें इसके पत्ते चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 मुट्ठी इसके पत्ते जो है वो ले लिए हैं और इसे अच्छे से पानी से धो लेना है ताकि इसके अंदर जितनी भी मट्टी है वो रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर जो है वो मैंने 1 ग्लास पानी जो है उसे उबाल लिया है और पुदीना उसके अंदर डालकर हमने उबाल लेना है। जब पानी थोड़ा सा उबल जाए तो इसके अंदर जो है वो हम 1/2 टीस्पून जो है वो अदरक का पाउडर जो है वो शामिल कर देंगे। अगर आपके पास अदरक है तो आप अदरक भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमने जो है वो इसे ज्यादा नहीं पकाना। बस हम जब इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए तो बस हम इसे उतार लेंगे। तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर इसे हम छान कर जो है वो कप में जो है वो डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे छान लिया है। अब इसमें जो है वो आधा नींबू का रस जो है वो आपने मिला लेना है। जब कावा रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो उस वक्त आपने इसमें नींबू का रस शामिल करना है। अब इसे जो है वो आप अफ्तारी के बाद आप इसे आधे घंटे के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये कावे की रेसिपी जो है वो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, मुझे इजाजत दे। खुदा हाफिज़।